डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यानी उसे चलाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हार्डवेयर प्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट और टेंजिबल यानी जिन्हें हम टच कर सकते हैं, द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसे कंपोनेंट जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ओके। इनपुट डिवाइसेस जैसे सीपीयू है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, ये सारे क्या हैं, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, जिससे हार्डवेयर रन हो सके, ठीक है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हार्डवेयर रन हो सकता हो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लियर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम्स जो कि हमें हार्डवेयर को कंपेटेबल बनाते हैं कि यूज़र उन्हें इजीली हार्डवेयर को रन करा सके, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। यूजर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर। इस तरीके से जो है एक कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, यूजर कनेक्टेड होता है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन कनेक्टेड होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड होता है हार्डवेयर से, ठीक है, और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, और एप्लीकेशन यूजर से, यानी कि ये चारों एक दूसरे के इंटरफेस हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहाँ कहाँ किस तरीके से ये कंप्यूटर का हिस्सा हैं, ये स्ट्रक्चर के द्वारा आपको एक क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, एक व्यू आपको मिल जाएगा, माइंड मेकअप आपका हो जाएगा कि किस तरीके से हम, सबसे पहले हमारी चीज़ें आती है हार्डवेयर। हार्डवेयर में सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर किस पर डिपेंड रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट होंगे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज़ है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ में हमारे इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हम पर्टिकुलर टास्क के लिए उन्हें इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। डिजायर्ड, ये तो डिजायरेबल होते हैं, यूज़र अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में रख सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंपलसरी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ये श्योर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ए कंप्यूटर इज़ मेयर ए मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इट्सेल्फ। कंप्यूटर एक मशीन है जो अपने अलावा कुछ नहीं जानती, रेदर इट रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग इट परफॉर्म, यानी कि उसे हर कोई भी जरा सा भी प्रोसेस करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, वो कुछ नहीं जानती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, यूजर। तो कंप्यूटर हमेशा इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क करता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइड टू इट बाई ए सॉफ्टवेयर, और ये इंस्ट्रक्शन हमें हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से देते हैं, हम मतलब यूजर। यूज़र विदाउट सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। इसका एग्जांपल मान लीजिए, जब हम
सी सी प्लस प्लस जावा कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब तक उसका सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं होगा तब तक हम उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए आपको कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ भी टाइप करना है, तो तब जब तक आपके पास वर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा या नोटपैड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मतलब उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, तब तक आप इनपुट नहीं दे सकते। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के इंटरनल यानी कि आंतरिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, जैसे कि रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना, ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस के लिए प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट, सिस्टम कंपोनेंट को चेक करना, कन्वर्टिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और डेटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के समझने योग्य अवस्था में बनाना, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू मेन कैटेगरी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इनकी जो मेन कैटेगरी है वो दो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर या यूटिलिटी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक्ट करता है, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच की कड़ी है। दैट इज़ ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी कि हार्डवेयर की रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। जो प्राथमिक उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यह है कि कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से इस्तेमाल किया जा सके किसी यूजर के द्वारा। और दूसरा सेकेंडरी गोल जो है, यानी कि द्वितीय उद्देश्य ये है कि द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफ़िशियंट मैनर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इफ़िशियंट मैनर में इस्तेमाल किया जाए। तो ये दो उद्देश्य हैं, पहला कि कंप्यूटर स्मूथली काम करे, कन्वीनियंट रूप से काम करे, ठीक है, और दूसरा है कि जितनी भी हार्डवेयर अटैच्ड है उनका यूटिलाइजेशन इफ़ेक्टिव रूप से किया जाए। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओनली वन यूज़र प्रोग्राम कैन बी सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल यूजर जिन्हें यूज़ करता है, यानी कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले चलते थे, सिंगल यूज़र होते थे, एक ही यूज़र उन पर काम करता, या मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग, दिस इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर देन वन यूज़र कैन सपोर्ट बाई इट, देयरफॉर मोर देन वन यूज़र प्रोग्राम्स आर लेड लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन स्टोर एट द सेम टाइम, इसे विंडोज़ कहते हैं। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है मल्टीपल यूजर, यानी एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करा सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग हो सकती है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि आजकल हो रहा है, विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो 7 सुना होगा आपने नाम, विंडो 10 सुना होगा, 12 सुना होगा, विंडो XP का नाम सुना होगा, ये सब क्या हैं, ये मल्टी प्रोग्राम या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज द टाइम शेयरिंग टेक्निक, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम शेयरिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, ईच एक्टिव यूजर प्रोग्राम इज़ गिवन ए फेयर शेयर ऑफ CPU टाइम, यानी कि जितने भी यूज़र काम करेंगे उनके लिए CPU का एक टाइमिंग लिमिट दी जाएगी, भाई इतने टाइम तक आप काम करिए। इस तरीके से कई सारे यूज़र काम कर सकते हैं, और ठीक है इसमें हमारा आ जाता है यूनिक्स, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन एंड द जॉब हैव टू बी कम्प्लीटेड विद इन देयर डेडलाइन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हर एक जॉब की एक फिक्स्ड डेडलाइन होती है कि इतने टाइम तक इसे कम्प्लीट करना है, और नहीं किया तो वो डिस्कार्ड हो जाती है। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू कंप्लीट दिस इट्स जॉब विद इन द स्पेसिफिक डेडलाइन, और अगर टाइम से
लिमिटेड डेडलाइन में या टाइम के अकॉर्डिंग जॉब्स कंप्लीट हो रही हैं तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इससे मेजर की जाती है। जैसे विंडोज सी कॉम्पैक्ट एम्बेडेड विंडोज जो होती हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर एज द जॉब हैव टू बी एग्जीक्यूट ऑन मोर देन वन प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का ऐसे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि यूनिक्स लिनक्स एंड विंडोज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पर्टेन्स टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एप्लीकेशन को होल्ड करते हैं या उनके अकॉर्डिंग ही उनके लिए ही वर्क करते हैं। फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शंस कैन प्रिपेयर रिजल्ट फॉर ए स्कूल कैन नॉट प्रिपेयर ए रिजल्ट फॉर स्कूल। इनका कहने का मतलब है यानी कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल की ही सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके या स्कूल का रिजल्ट प्रिपेयर कर सके, क्योंकि जिस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वही उद्देश्य पूरा करेगा, दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जो यूज़र चाहता है जैसे एप्लीकेशन को रन करना तो वो उसी को कर सकते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है तो उस पर हम जावा की प्रोग्रामिंग रन नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर टू इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज इन्वेंट्री कंट्रोल रिजल्ट प्रिपरेशन रेलवे रिजर्वेशन बिलिंग एटसेट्रा। इस तरह के प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामर एक स्पेसिफिक टास्क के को परफॉर्म करने के लिए तैयार करता है ऐसे प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल है, रिजल्ट प्रिपरेशन है, रेलवे रिजर्वेशन है एटसेट्रा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेजेस आ जाते हैं इसमें। देयर आर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, पैकेजेस में हमारे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यूजर के लिए नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, ECEGS। ठीक है, देन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सब हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट यानी लिस्ट वगैरह बनाने के लिए एक्सेल वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं। ये सब चीज़ें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ, डू यू नो दिस विजुअल एड्स इज आल्सो मेड बाय यूजिंग प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड पावर पॉइंट। जिसको आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये भी एक स्पेशल विजुअल प्रेजेंटेशन जो हमारा बना हुआ है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो यूटिलिटीज़ की बात करें तो यूटिलिटीज़ असिस्ट द कंप्यूटर बाई द परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शन लाइक बैकअपिंग डिस्क और स्कैनिंग क्लीनिंग वायरस और रिकवर डेटा विच हैज़ बीन एक्सीडेंटली erased और removed outdated files। यूटिलिटी क्या है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेज़र करती है, जो वायरस है उन्हें रिकवर करना, वायरस को हटाना, स्कैन करना, क्लीनिंग करना, बैकअप करना कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी में आ जाती हैं। और फाइल्स को अपडेट और करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी में आती हैं। सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ आर, कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज़ फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी होती है बैकअप लेने के लिए फाइल का, डेटा का, डिस्क का बैकअप लेने के लिए बैकअप यूटिलिटी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके।